महंगाई है? हाँ बहुत है। कितनी? जितनी कहो उतनी है। ते महंगाई बढ़ी थी? बढ़ी है। कितनी हुई थी? बढ़ी है। महंगाई तो कोई बनना नहीं। ये कंट्रोल हिंदुस्तान पे तो मेरे को नामुमकिन है। ये कंट्रोल होगी क्योंकि यहाँ की पब्लिक कंट्रोल नहीं है तो महंगाई कहाँ होगी? 50 रुपये लीटर तेल था, 100 रुपये लीटर मिल रहा है। रसोई गैस जो 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये मिल रहा है। हम चाहते हैं मोदी से, मोदी क्या कर रहा है? सिलेंडर लोगों को बांट रहा है और आम लोगों पे ये सारा बोझ उन पे डाल रहा है। बहुत क्वार्टर कर करके बर्तन लोगों ने कर करके आर्मी ने कार पा लिया। मैं बच्चे छोटे छोटे हैं, घर वाला भी फैक्ट्री करता है। मतलब मोदी जी ने बहुत महंगाई की है। किस तरफ मतलब सिलेंडर फ्री है, एक तरफ से महंगाई कर देंगे, कोई फायदा नहीं होता। आम जनता का जो आम जनता खाती है तेल, दो एक 100 रुपये लीटर था, वो आज 220 रुपये लीटर हो गया है। लगता है कैसे कंट्रोल होगा ये? कंट्रोल अभी ऊपर वाली सरकार ही करेगी, तो अभी हो सकता है ऊपर वाली सरकार। हाँ, जो सरकार है अभी अवेलेबल। हाँ, आपने भी बढ़ाए होंगे फिर कराए? अब वो तो बढ़ेंगी, अब तेल बढ़ा तो किराया तो बढ़ेगा ही। महंगाई, इस शब्द से आप काफी वाकिफ हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या पेट्रोल के दाम, क्या डीजल के, और क्या जो रोज इस्तेमाल होती हैं घर पे चीज़ें, सबके दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं विजयपुर मार्केट में आई थी और लोगों से जानती हूँ कि उनका महंगाई के ऊपर क्या कहना है और उनको क्या लगता है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। तो महंगाई बढ़ी थी? बढ़ी है। कितनी हुई थी? बढ़ी है। महंगाई तो कोई बनना नहीं। बड़ी बढ़ी है थी। और गैस गूस सिलेंडर सारा कुछ बढ़ी है। हाँ, सिलेंडर 1000 रुपये आई थी। 1000 रुपये आई थी। और के महंगाई है? हाँ बहुत है। कितनी? जितनी कहो उतनी है। मोदी के राज में क्या है, पहले कांग्रेस के राज में 60-65 रुपये तेल होता था, और एक अभी 102-103 रुपये लीटर तेल है। और उस जो आम जनता का जो आम जनता खाती है तेल, दो एक 100 रुपये लीटर था, वो आज 220 रुपये लीटर हो गया है। कौन सी चीज़ पर महंगाई कम की है मोदी ने, वो बता दे। एक चीज़ बता दे मोदी पे, हमने ये काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये महंगाई कैसे कंट्रोल की जाएगी? महंगाई कंट्रोल गवर्नमेंट ने करनी है। हमसे तो सारा टैक्स काट रहे हैं, GST काट दे, हर चीज़ काट दे, हमारे से तो सब कुछ ले रहे हैं, तो महंगाई तो गवर्नमेंट करेगी ना काम। आपका कोई की कुछ तरीका की जिससे काम हो सकती है? काम ऐसी हो सकते जैसे हमारे से ले रहे हैं, तो इनको सब्सिडी देनी चाहिए, इनको दूसरों को महंगाई के ऊपर या तेल पर भी सब्सिडी देनी चाहिए, तो तब तो कोई चीज़ सस्ती होगी। गवर्नमेंट तो कुछ दे नहीं रही किसी को, तो कहाँ से सस्ता होगा सामान। ये महंगाई है? महंगाई तो बहुत है। बड़ी कितनी ज़्यादा? बहुत ही ज़्यादा। किसके दाम बढ़ गए? हर चीज़ के, गैस के हो गए, हर चीज़ के, घरेलू आइटम हो गए, एनिमल कोई भी। अच्छा, तो आप दुकान करते हो? हाँ जी। तो बिक रहा है सामान आपका? बिकता तो है, महंगा होगा तो महंगा ही बिकेगा, अगर सस्ता होगा सस्ता भी बिकेगा। तो क्या लगता है कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? अभी देख लो, जैसे चलेगा वैसे चलना ही है। अगर महंगा होगा तो महंगा ही बिकेगा, सस्ता होगा तो सस्ता भी चलेगा। अच्छा, मतलब सामान जैसे पहले बिक रहा था वैसे ही बिक रहा है? हाँ, ना फर्क तो पड़ता ही है ना, महंगा होगा तो कम बिकेगा। अंकल महंगाई है? महंगाई तो जरूर है। क्या लगता है कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये कंट्रोल हिंदुस्तान पे तो मेरे को नामुमकिन है। ये कंट्रोल होगी क्योंकि यहाँ की पब्लिक कंट्रोल नहीं है, तो महंगाई कहाँ होगी? मैं अपनी बात बताता हूँ, अभी कोरोना वायरस है, लोग मर रहे हैं, कितने आदमी मरे हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी लोग थे, जो सब्जी मंडी में 2 रुपये किलो बेची, उन्होंने 40 रुपये किलो बेची है। क्योंकि जो जिम्मेदार पैदा कर रहा है वो 2 रुपये किलो दे रहा है, जो आगे उसको रीसेल दोबारा कर रहा है लेके, तो वो उसको 40 रुपये किलो दे रहा है। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर रूल रेगुलेशन कोई नहीं है। मार्केट का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहाँ पर रूल रेगुलेशन होगा मंडी से रेट होते निकलते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो इसको कंट्रोल करता है, हॉर्टिकल्चर को अपना पता नहीं हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है सब्जी मंडी होगी जहाँ बड़ी मंडी, वो हॉर्टिकल्चर अंडर पड़ती हैं। गवर्नमेंट उन पर करोड़ों अरबों रुपये खर्चा कर रही है, बिल्डिंगें बनाई हैं, मंडियाँ बनाई हैं, तो उस पर कंट्रोल किसी का नहीं है। हॉर्टिकल्चर ऐसे होता है उनको शाम को एक नोट डिटेल लेते हैं, आजकल जो सब्जी बोलते थे पहले, लेकिन आजकल नहीं है। अगर 200 रुपये क्वांटल मूली बिकती है, बाहर बिक रही है 2000 रुपये क्वांटल, तो वो कहाँ गया? बीच वाला जो गैप है वो कौन कमा रहा है?
जो बिच मिड आदमी है वो ही कमा रहा है, उसको जिम्मेदार कुछ नहीं मिल रहा है। जिम्मेदार 3-4 महीने में सब्जी तैयार करता है, जो सुबह 2 रुपये किलो लेता है वो 20 रुपये किलो बेचता मार्केट में, वो 18 रुपये 2 रुपये का खर्चा भी आ गया ऊपर, उसकी कमीशन लगती है, किराया लगता है, सब्जी कम भी होती है। अब 5 रुपये खर्चा डाल लो फिर भी वो 10-12 रुपये कमा रहा है किलो के, सब्जी ख़राब भी होती है उसकी। मैं ये नहीं कहता उनके मैं ख़िलाफ़ हूँ, उनका भी नुकसान होता है, अगर नहीं बिके तो वो गरीब आदमी मर जाएगा। महंगाई है, महंगाई तो है कि नहीं? ठीक है, ठीक, काम काज ठीक है? ठीक है ठीक। कोई काम की इफेक्ट पे आ फर्क पता चला कोई? सस्ता होता सामान महंगा? सामान थोड़ा महंगा है। क्या लगता है कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो गवर्नमेंट ही करेगी तो होगा, हमारे खाने के थोड़ा होगा। सामान बिक रहा है आपको? इतनी बिक्री नहीं, थोड़ी कम हो गई पहले से। महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो लोगों की कमर तोड़ दी है इस सरकार ने, और जो महंगाई 50 रुपये लीटर तेल था 100 रुपये लीटर मिल रहा है, रसोई गैस जो 400 रुपये सिलेंडर था आज 1000 रुपये मिल रहा है। हम चाहते हैं मोदी से, मोदी क्या कर रहा है, सिलेंडर लोगों को बांट रहा है और आम लोगों पे ये सारा बोझ उन पे डाल रहा है। ये क्या कौन सी पॉलिसी से काम हो रहा है देश में? ये पॉलिसी सब देश में गलत चलाई जा रही है, इस पॉलिसी को ठीक करना चाहिए। इन्होंने सब गवर्नमेंट से मिलकर पॉलिसी को ठीक करना चाहिए, और हम मोदी से ये कहते हैं कि जो गरीब मर रहा है उसकी सुने। महंगाई हुई है जी? जी बहुत महंगाई है जी, बहुत क्वार्टर कर करके बर्तन लोगों के कर करके आर्मी ने घर पा लिया, मैं बच्चे छोटे छोटे हैं, घर वाला भी फैक्ट्री करता है। मतलब मोदी जी ने बहुत महंगाई की है, किस तरफ मतलब सिलेंडर फ्री आ, एक तरफ से महंगाई कर देंगे, कोई फायदा नहीं होता। गरीब घर चाहिए एक बंदा जरूर पक्का होना चाहिए। महंगाई है? हाँ महंगाई है। कितनी? बहुत ज़्यादा। कितनी? कितने रुपए किलो सेब मिल रहे हैं? सेब 60 रुपये किलो। तो पहले से ज़्यादा हुए हैं? पहले से थोड़ा कम हुए हैं। ये कम हुए हैं? और बाकी चीज़ें? बाकी चीज़ें ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ। महंगाई है? महंगाई है नहीं है। नहीं है? नहीं है बिल्कुल नहीं, नहीं है। ठीक चल रहा है काम? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। महंगाई है? हाँ। कितनी? बहुत ज़्यादा है। क्या बढ़ गया? सब कुछ बढ़ गया हर किस्म का। तो कैसे लगता है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसको? कंट्रोल अब क्या पता, नहीं पता। आपने भी बढ़ाए होंगे फिर किराए? अब वो तो बढ़ेंगे, अब तेल बढ़ा है तो किराया तो बढ़ेगा ही। भैया महंगाई है? आहो महंगाई तो है। कितनी है? कोई अभी 10 रुपये के 5 दे रहे हैं। पहले कितने देते थे? पहले 5 देते, पर हमने अभी महंगा नहीं किया है। आपने नहीं किया महंगा? हमने नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया महंगा? क्या करें, वैसे भी काम नहीं है। इस वजह से गाहक को बोलो 4 के लिए तो वो नहीं खाते, इस वजह से चले जाते हैं। अच्छा फिर खाते ही नहीं है? अगर फिर खाते नहीं चले जाते हैं। आंटी महंगाई है? बहुत ज़्यादा। कितनी? बहुत ज़्यादा। महंगाई तो है, ये सबको पता। कितनी ज़्यादा हुई? बहुत ज़्यादा। बड़ी ज़्यादा। शॉपिंग करने आए हो? शॉपिंग। तो सामान महंगा मिला सारा? हाँ बहुत महंगा, पहले से महंगा। पहले से महंगा? हाँ। क्या लगता है कैसे कंट्रोल होगा ये? कंट्रोल अभी ऊपर वाली सरकार ही करेगी तो अभी हो सकता है। ऊपर वाली सरकार? हाँ जो सरकार है अभी अवेलेबल। हाँ।